हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक सुपर से स्टेज शो का रिएक्शन लेके आए हैं आज। खेसारी लाल यादव जी का स्टेज शो है छपरा जिले का, और ये स्टेज शो पता नहीं किसी ने सजेस्ट किया नहीं किया। मैं वैसे सर्फिंग कर रहा था, स्टेज शो मिल गया, हमें टाइम नहीं मिला कमेंट्स देखने का, तो सीधा लेके आए हैं। इसका जो टाइटल था वो मतलब ऐसा था कि भाई मैं रोक नहीं पाया इसको डाउनलोड किए बिना, रह नहीं पाया। ये टाइटल में लिखा हुआ है खेसारी लाल यादव बहुत रोए स्टेज पे, तो मतलब ये वो एक्ट है या क्या है या क्या नहीं, ये देखेंगे स्टेज शो में भाई। वैसे ये लोग जो लाइंस होती है ना, ये अट्रैक्टिव लाइंस इसलिए लिखी जाती है ताकि लोग देखें, बाद में अंदर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। हाँ, ऐसा भी हो जाता है, क्लिक बेट बहुत करते हैं लोग, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। तो चलिए गाना सुनते हैं, स्टेज शो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। स्टेज शो बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, एक पल के लिए भी आप नजर नहीं हटा पाएंगे, इतने एंटरटेनिंग होते हैं खेसारी लाल यादव के स्टेज शो। इसीलिए करते हैं क्योंकि कुछ वीडियो इतने अच्छे होते हैं लेकिन उनको रीच नहीं मिल पाती, तो वो ऐसा क्लिक बेट बनाते हैं ताकि ना लोग उसको देखें। एक बार देखने लग गए तो नजर नहीं हटा पाएंगे भैया स्टेज शो से, इसलिए वो क्लिक बेट कर देते हैं। तो चलिए स्टेज शो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पानी मंगाइए ना थोड़ा, धीरज पानी चाहिए यार मुझे। भैया नेपाल वाले मुझे पूछे, ये कोरोना फिल्म का गाना है, 20-25 दिन बाद मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है अन्नपूर्णा फिल्म के द्वारा। नई वाली जो स्कॉर्पियो है ना, वो अखिलेश बाबा मुझे गिफ्ट कर रहे हैं, कम से कम 24 लाख की है। ताली बजाओ ना यार। स्कॉर्पियो तो भाई के घर में कुछ आ रहा है तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, तो हल्ला करके बजाओ। और इनका जो गाना रिलीज हुआ है ना, अभी जो ब्रांड वाला गाना रिलीज हुआ है, उसको जल्दी से 100 मिलियन कर दोगे तो मुझे फॉर्च्यूनर मिल जाएगा यार। उसको जल्दी से 100 मिलियन कर दो, कर दोगे ना आप लोग? जल्दी से 100 मिलियन कर दो, करो जो फॉर्च्यूनर मेरे घर में आ जाए। मैं महंगी गाड़ी पे नहीं चलता हूँ, किसान का बेटा हूँ, छोटी गाड़ी पे भी अच्छा ही लगता हूँ। और पगल ही के भाई अरे पगल के दासा सबकी किस्मत बनके तुम्हारे जैसी नहीं है ना। अब हमारा पता चला अरे फिर प्रेम के भाषा मिले हमसे Oh,
अच्छा दिन दे दी है। मेरे बहुत सारे भाई हैं कलाकार जो कि अभी गाए भी नहीं होंगे, उन्हें भी गाना तो मैं चाहता हूं कि सबको मौका मिलना चाहिए। ये तो मेरा घर ही है और मैं अपने घर में ही नहीं गाऊंगा तो कुछ मतलब नहीं, इसलिए आप लोग। तो दोस्तों माइंड ब्लोइंग गाना था एंड दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। खेसारी लाल ने टी शर्ट निकाल दी, हाँ। सलमान खान वाला वो आ गया इनमें, हाँ। तो इट वॉज माइंड ब्लोइंग, अच्छी खासी बॉडी बना रखी है उन्होंने, सिंगर के साथ साथ एक्टर भी हैं, ऑलराउंडर हैं, ठीक है, हर रोल में हर चीज़ में आपको दिख जाएंगे, एक्टिंग इनकी सुपर्ब है, माइंड ब्लोइंग सिंगर हैं, ट्रेंडिंग स्टार इनको वैसे ही नहीं बोलते हैं, हर दूसरा तीसरा गाना इनका ट्रेंडिंग में रहता है, इज अ सुपर स्टार और सुपर एक्टर हैं, सुपर डांसर हैं, डांसिंग में भी इनका कोई मुकाबला नहीं है भाई, डांसिंग बहुत अच्छी करते हैं और फुल ऑन एनर्जी वाले स्टेज होते हैं, देखा आपने एक दो बार तो इमोशंस में इतने बह गए, मतलब पूरे जोश के साथ लास्ट मोमेंट तक, बैंड बाजे वाले को बोल रहे थे ना कितना, हाँ, हाँ, मतलब इतनी स्पीड लेके आओ ऐसे, तो भाई माइंड ब्लोइंग था, मैंने बहुत एंजॉय किया। नेहा आपने? मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। तो दोस्तों हमें ये स्टेज शो बहुत 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 अच्छा लगा, आपको स्टेज शो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगे तो बहुत सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और मैं ऐसे अच्छे अच्छे रिएक्शन लाते रहेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।